मार्क्स आते होंगे आपके टेस्ट सीरीज में, कभी दिलाते होंगे, लोगों को देखते होंगे, वो आपसे ज़्यादा मेहनत करे, या कैसा आपका सिचुएशन रहता था, आपने कैसे इस चीज़ को बूस्टअप किया? एंड ये सबसे पहले मेरे को बताइए कि जिस दिन आप अपने प्रिपरेशन के सबसे लोएस्ट पे थे, सबके साथ आता है एक पॉइंट ऐसा, बहुत ज़्यादा लोएस्ट पे पहुँच जाते हो, ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, करके उससे कैसे बाहर निकले? जैसे कि मैं जब ज्वाइन किया था, कोचिंग ज्वाइन किया था 19 में, जब जॉब छोड़ने के बाद सितंबर अगस्त के आसपास था, तो उस टाइम पे तैयारी अच्छी नहीं थी और मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं आते थे। तो सबको मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे हड़बड़ाने लगते हैं कि लोगों की तैयारी नहीं हो रहती और एग्जाम में मार्क्स नहीं आते तो एकदम हड़बड़ा जाते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई अब तैयारी जब हुई ही नहीं है तो मार्क्स अच्छे कहाँ से आएंगे। तो मैं अभी अपने आपको वही समझाता था, अभी तैयारी हुई नहीं है, नॉर्मल है, मार्क्स कम आ रहे हैं तो, और जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें डिमोटिवेट होने की कोई बात ही नहीं है। जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, और होते भी है, जैसे जैसे तैयारी होती गई मार्क्स अच्छे आते गए। और एक चीज़ तो ऑब्वियसली डर भी लगता था कि कई लोग बहुत सालों से तैयारी करते थे, 7 साल 8 साल से, और उसके बाद भी कई लोग पोस्ट में ले होते थे, क्लास डी पोस्ट में, और लाइब्रेरी में दिखते थे कि मतलब सुबह से आए हैं, बैठे हैं, शाम तक उठ ही नहीं रहे, मतलब हम लोग जैसे गप वप मारे, हम लोग बात भी नहीं करते थे किसी से, सिर्फ वॉशरूम के लिए उठते थे, तो मैं और आशुतोष हम लोग यही डिस्कशन करते थे, मतलब इन लोग इतना पढ़ रहे थे, क्या करें, पढ़ाई छोड़ दे क्या, हम लोग क्या वापस चले, तो लगता था उन लोग को देख के। लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भले कम पढ़ रहे हैं लेकिन रोज़ पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखा मैं।